केंद्रीय समिति गुरुस्थान पूर्णेश्वर महादेव मंदिर पुनासा जिला खंडवा के तत्वावधान में आयोजित वहारेश्वर नर्मदा पंचकोशी पदयात्रा श्री खेड़ापति हनुमान जी मंदिर धार जिले के बाकानेर में अपने अगले पड़ाव नर्मदा तट सुलगांव के लिए रवाना हुई। ध्वजवाहक राजेंद्र शर्मा खलगाट ने बताया कि पंचकोशी यात्रा अपने 27वें वर्ष में मां नर्मदा की रक्षा करना, भाईचारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पवित्रता बनाए रखना, सनातन धर्म की संस्कृति को बनाए रखना, पुरातन मंदिरों के दर्शन लाभ लेते हुए जीर्ण शीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार के उद्देश्य से यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में लगभग 300-400 पदयात्री भजन करते हुए चलते रहते हैं। जगह जगह पदयात्रियों का फलाहार और पुष्प वर्षा का स्वागत किया जाता है। मनावर से लोकेन जाधव की रिपोर्ट। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका परिचय? मैं राजेंद्र कुमार शर्मा खलगाट से। हमारी यात्रा जो है वो केंद्रीय समिति गुरु स्थान पुनासा के द्वारा संचालित आयोजित होती है, जो रविंद्र भारती चोरे हमारी यात्रा नर्मदा पंचकोशी यात्रा के जनक हैं, उनके द्वारा प्रथम यात्रा निकाली गई। उसके बाद इस केंद्रीय समिति द्वारा लगभग 25 यात्राएं मध्य प्रदेश में संचालित होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य मां नर्मदा की रक्षा करना, पवित्रता बनाए रखना, साफ स्वच्छता का संदेश देना मुख्य उद्देश्य है, और सनातन संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से और पुरातन जो धरोहर है, प्राचीन मंदिर है, उनके दर्शन लाभ होते रहे और जो भी जीर्ण शीर्ण मंदिर है उनका जीर्णोद्धार हो, ऐसी आशा के साथ मां नर्मदा की कामना के लिए और भक्त जो हैं वो निमाड़ क्षेत्र मध्य प्रदेश और भारतवर्ष की कामनाओं के लिए, मंगलमय कामनाओं के लिए यात्राएं में शामिल होते हैं। ये यात्रा कहां से कहां तक जाएगी? ये यात्रा जो है वो बड़ा बड़ौदा से यात्रा प्रारंभ हुई है, जिसका अभी 27वां वर्ष है, और यात्रा का पहला मुकाम जो है वो हनुमान मंदिर बाकानेर रहा, दूसरा मुकाम हमारा जो है वो जिति सुलगांव ग्राम होगा, उसके पश्चात नर्मदा पार होकर हम ब्राह्मण गांव, और ब्राह्मण गांव से जो है बड़वानी जिले के दवाना होते हुए सेमलदा डैम में रात्रि विश्राम करेंगे। चतुर्थ हमारा रात्रि विश्राम लोहारा गांव राम दुलारी देवी जी के आश्रम में होगा, उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हुए किरमोही जाकर नर्मदा पार होकर पुनः अमावस्या के दिन बड़ा बड़दा महाकालेश्वर मंदिर में जाकर हमारी यात्रा का पूजन अर्चन के बाद समापन होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।